शर्मा ने 20 साल की उम्र में अपने ही टीवी शो के सेट पर खुदकुशी कर ली ये इंसिडेंट जितना ही शॉकिंग रहा है सभी के लिए उतना ही शॉकिंग रहा है हितेन पेंटल के लिए भी आ, क्योंकि उनकी नीस भी इस शो का हिस्सा रही हैं हितेन अब पहले सबसे जब यह खबर सामने आई क्योंकि इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा हमने देखा है तो तुनिशा का ऑफ स्क्रीन हो जाए औ, या फिर ऑन स्क्रीन हो जाए आ, कितना शॉकिंग रहा था आपके लिए जब यह न्यूज़ यू नो सडनली बर्स्ट हुई अब uh, देखिए शॉकिंग तो सबके लिए रहा था मेरे लिए भी इट वॉज़ वेरी मतलब मैं और मेरे फादर बैठे थे मैं बाहर से आया तो मेरे डैड ने बताया इसरा तुमको पता तुनिशिया वॉट तो एक वो एक कुछ झटका लगता है यू नो पहले कुछ सेकंड के लिए आप बिलीव नहीं करते उस चीज़ को यू फील नहीं मे बी इट्स रॉन्ग न्यूज़ बट इट वॉज वेरी शॉकिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग वेरी बहुत बुरा लगा सुन के कि ऐसा किसी ने बीस साल की उम्र में आप अच्छे करियर पाथ पे हो यू हैव अ गुड लाइफ यू हैव गुड फैमिली एंड यू नो वो सब एकदम एक झटके में ख़त्म हो जाता है बहुत ही अर्ली स्टेज से उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया बहुत ही कम उम्र से काफ़ी सारे शोज़ किए उन्होंने फ़िल्मों में भी कटरीना की जो बच्ची का भूमिका था उन्होंने वो निभाया था सो ऐसे में आप क्या लगता है आपको क्योंकि जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं बातें सामने आई हैं उसके उसको सुनने के बाद क्या एक मैंटालिटी रही है आपकी कि मतलब क्या हुआ होगा और किस चीज़ से उन्हें प्रेशराइज किया होगा या उनके दिमाग में ऐसी बातें हुई होंगी कि इतना बड़ा कदम बीस साल की उम्र में उठाना पड़ा जी एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जिन इंडस्ट्री में जितने लोग भी काम करते हैं हर इंसान को मल्टीपल प्रेशर्स के थ्रू जाना पड़ता है कभी काम नहीं है तो काम की यू नो तकलीफ होती है प्रेशर होता है जब काम है उसको मेंटेन करने का पैसे का मल्टीपल चीज़ें हो, चीज़े होती दस चीज़ें होती हैं यू नो जो दिमाग में चलती रहती चलती रहती है उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ ट्रिगर ऑफ कर जाती है एंड पीपुल डोंट अंडरस्टैंड इट वो एक वीक एक मोमेंट होता है साइकाइट्रिस्ट भी बोलते हैं कि दैज अ देज एट वन वीक मोमेंट जहाँ पर आप कुछ कुछ सोचते नहीं हो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो एंड देट मेक्स यू डू समथिंग विच आपको भी शायद नहीं पता कि आपने क्या किया है तो प्रेशर तो इस इंडस्ट्री में बहुत है ऐसा नहीं कि दूसरी इंडस्ट्रीज में दूसरे ऑफिस में जगह पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ नहीं है बहुत है बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है यू नो देर इज़ कॉम्पिटिशन एवरीवेयर मतलब दोस्त दोस्त का रोल काट लेते हैं तो टेक स्टेप। जी, आ, ऐसे में उनके जो को एक्टर है शीजान उनका नाम सामने आ रहा है उसके बाद उन रिलेशनशिप में थे लेकिन उसके बाद शीजान ने उन्हें चीट किया जिस तरह के एलिगेशन उनके माँ ने भी लगाए हैं उनपे सो uh, so, ऐसे में um, अगर, रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए ये सारे यू you नो know, केस को देखा जाए हाउ डू यू फील कि एक 20 साल की उम्र की लड़की अगर उसे प्यार होता भी है और शीजान के साथ अगर शीजान यू uh, नो you know, चीट किया भी है तो इस तरह का मेजर स्टेप उठा लेना प्यार में uh, कितना जस्टिफाइड है आई डोंट ऑल बिकॉज सबके रिलेशनशिप्स होते हैं बीस साल की उम्र एक तो बहुत छोटी उम्र होती है किसी पाथ पर चल रहे हो एंड रिलेशनशिप्स किसकी नहीं होते सबके रिलेशनशिप्स होते हैं अगर उसके बीच में चलो मैं कहता हूँ चीट किया या जो भी है गलत किया इवन इफ आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट चीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस और एनी काइंड ऑफ थिंग्स उससे आप ऐसा कुछ स्टेप लें आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग फॉर योर सेल्फ आई एम नॉट सेंग फॉर एनी बडी एल्स बट उसके लिए उसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप के मतलब आप इतने वीक हो गए कि एक रिलेशनशिप की वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप लिया और आपने अपनी मदर अपने फादर अपनी फैमिली के बारे में सोचा नहीं आपने सिर्फ उसी एक इंसान के बारे में सोचा कि माई oh गॉड में इतना हर्ट हो गई हो गया जो भी हो गया एंड आप ऐसी चीज़ करते वट अबाउट योर फैमिली आपकी तो आपकी मदर आपके ब्रदर आपकी फैमिली तो मतलब जीते जी मर जाएंगे वो लोग उनके लिए दिस इज़ वर्स देन डेथ

डू यू थिंक कि किसी तरह का उन पर पहले से कुछ मानसिक क्योंकि uh, डिप्रेशन के बारे में पहले भी बात कर चुकी हैं वो uh, कि किस तरह से यू you नो know, डिप्रेशन से जूझ रही थी वो डू यू थिंक इसका भी असर है क्योंकि कम उम्र से डिप्रेशन और फिर इस तरह से रिलेशनशिप को लेकर बातें सामने आना uh, जी एम श्योर sure कि कुछ होगा बिकॉज डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत उसके बारे में जानते नहीं हैं और जानते भी हैं तो मतलब कोई आदमी अपसेट भी होगा ना वो आजकल डिप्रेशन ऐसा वर्ड इतनी लाइटली यूज़ करने लग गए लोग कि किसी को अगर कोई अपसेट कहेगा आई एम रहिस्ड क्या डिप्रेस्ड डू यू नो द मीनिंग डिप्रेशन होता क्या है इट इज अ इट इज़ अ इट इज़ अ डिजीज़ यू नो एंड मे बी उसकी वजह से कुछ चीज़ें होंगी मे बी शी वॉज नॉट ऑन मेडिकेशन और शी वॉज सपोज टू टेक मेडिकेशन आई डोंट नो बट आई एम श्योर कि उसी की वजह से कुछ एडिड प्रेशर हो गया होगा एंड समथिंग लाइक दैट मज हैपेंड तो आईम श्योर देर इज समू इट की डिप्रेशन की वजह से शायद होगा बट डिप्रेशन में भी आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो डिप्रेशन में हैं काफ़ी टाइम से हैं निकल चुके हैं मैं खुद उस फेज से गुजर चुका हूँ बट यू हैव टू बी स्ट्रांग यू नो आप हर एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कुछ लोगों को होता है क्लिनिकल इट इज़ अ क्लिनिकल थिंग बट फिर भी थोड़ा सा आई थिंक पीपल शुड बी अर लिटल स्ट्रांगर देन टेकिंग योर लाइफ टेकिंग योर लाइफ इज अ वेरी बिग स्टेप हमको भगवान ने लाइफ दी वही लेंगे जब टाइम आएगा आप खुद अपने हाथ में ये लेके नहीं कर सकते इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग ऐसे में आ, हमने देखा कि उनकी मम्मी ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया आ, शीजान पर एलिगेशन भी लगाए कि आ, ये आ, जो शीजान है वो लॉयल नहीं था और वो बार बार इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी सेट पे आ, तो निशा को एनजाइटी अटैक आया था जिसमें वो बार बार वही कह रही थी कि इसने मुझे चीट किया हाउ डू यू सी दिस ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड इट आई मीन ठीक है आपने चीट किया बट आप वो एक ही चीज़ पॉइंट को ना हमको भी नहीं पता है देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं कि उसने चीट किया कि नहीं किया वो वो बात तो सिर्फ वो जानता और वो जानती थी हम तो जान नहीं सकते हम जानते नहीं ना हम इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं अब जो भी उस लड़की ने किया आप उसे एक ही पॉइंट को पकड़ के उसी चीज को आप मारते रहेंगे दैट इज नॉट जस्टिफाइड आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइड यू नो अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा आई डोंट थिंक इट भी जस्टिफाइड या मैं किसी के साथ ये चीज करूँ कि तुमने चीट किया तो नीचे एक ही चीज़ को पकड़ के एंड मैं उसी चीज को मुद्दा बना दूंगा कि उस लड़की ने अपनी लाइफ ली बिकॉज यू ट्रीटेड ऑन ये बहुत बड़ा एलिगेशन है यू नो वेदर देर इज रियलिटी और नो बट ये बहुत बड़ा एलिगेशन इट शुड नॉट बी ऐसा होना नहीं चाहिए इट्स वेरी रॉन्ग थिंग यू नो किसी के लिए भी मतलब आई कॉन्ट आई कॉन्ट इमेजिन बींग इन हिस सिचुएशन की वो बेचारा गलत किया सही किया वो तो हमारे लॉ से पता चल जाएगा हमें वो सामने आई जाएगी सॉरी बट जब तक यू you नो know, बोला जाता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूव इन गिल्टी तो जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता या इसकी सच्चाई हमें नहीं पता चलती आई कैन इमेजिन वीज बी गोइंग थ्रू और वोट हिज फैमिली थ्रू ऐसे में क्योंकि हमने देखा है और इंस्टाग्राम पे काफी सारे फोटोज भी है जिसमें शीजान की बहनें फलक और आ... Uh, दूसरी जो उनकी बहन है उनके साथ उनके सारे काफ़ी पिक्चर्स भी हैं जहाँ दोनों साथ में बैठे हैं बीच में uh, वो बैठी हैं तो निशा भी है तो फैमिली के साथ भी काफ़ी क्लोज कनेक्शन था लेकिन ऐसे में uh, बहुत ही शॉकिंग है सभी के लिए भी कि इस तरह से यू नो मेजर स्टेप उठाना डू यू थिंक ये हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हुआ है सी आई डोंट थिंक कि कोई भी हीट ऑफ द मोमेंट अपनी लाइफ ले सकता है दिस कुड भी आइडर ये बहुत टाइम से उसके दिमाग में चल रहा होगी बात चल रही होगी कि मे बी मैं कुछ कर लूँ ऐसा मे बी बिकॉज ऑफ दैट मे बी शी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट और शी था अबाउट इट बट आई फील शी शुड है एटलीस्ट किसी से बात कर लेती एक बात शेयर कर लेती या किसी किसी के साथ शेयर कर लेती तो अ लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता आपकी आप मतलब इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट एक यू uh, नो you know, इतनी छोटी लड़की ने इसे अपनी लाइफ लिया है एंड रूइनिंग अर एंटायर लाइफ एंड ऑफ एमलीज लाइफ सो आई डोंट थिंक हीट ऑफ द मोमेंट होगा मे बी वो सोच रही होगी उसके बारे में बट

Uh, जिस तरह के यू नो स्टेट्समैन भी शीजान बदल रहे हैं जो पुलिस को दे रहे हैं उन्होंने श्रद्धा का केस सामने रखते हुए कहा कि मैं वो उस केस के बारे में सुना और उसके बाद मैंने अपना यू नो डिसीजन ऐसे लिया डू यू थिंक शीजान इज़ प्लेइंग विथ वर्ड्स या फिर uh, ये सच में उनके दिमाग में आया हो क्योंकि अगर ऐसा था वो अगर उम्र की बात थी या फिर का रिलीजन की बात थी तो ये उन्होंने पहले नहीं सोचा और बाद में क्योंकि उनका इंटेंशन ही वैसा था देखिए लव जिहाद इज़ अ इज़ अ वेरी ऐसी चीज़ हो रही है इंडिया में हो रहा है देर आर बिन मल्टीपल आर्टिकल्स देर आर बिन पीपल जिनको पकड़े पकड़ पकड़े, पकड़े गए हैं वो लोग लव जिहाद के चक्कर में उनको उन्होंने तो मैं कुछ वीडियोज देख कुछ लोगों ने उसको पकड़ा उन्होंने बताया कि पचास हज़ार रुपये देते हैं उनको कन्वर्ट करने के शादी करने के लिए वॉट एवर आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ लव जिहाद और नो लाइक आई साइड कि हम कोई नहीं है कि हम जजमेंट पास करें क्योंकि हम जानते नहीं जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री का इतना अच्छा है जब तक तो वो डिसाइड नहीं करता और ये नहीं बताता कि वाट वॉज द केस आई डोंट थिंक कि हम इसको एक नाम दे सकते हैं फॉर श्योर sure, क्योंकि हम उस सिचुएशन में नहीं थे जी। और हम जानते नहीं कि उसके उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है और तनिषा के दिमाग में क्या चल रहा था वी डोंट नो अबाउट इट तो हम कमेंट करें ऐसे कि ये लव जिहाद है ये है वो और, और फालतू में रिलीजन डालकर चीज़ों को और ख़राब करें तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे ही हर चीज़ पर क्या होता है कि Uh, बहुत जल्द रिलीजन का नाम डाला जाता है एंड आई डोंट थिंक वी शुड डू इट टिल वी नो फॉर ओ फैक्ट कि क्या हो क्या रहा है या हुआ क्या और वॉट वॉज द थिंग मे बी वो जो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है मे बी वो घबराया हुआ है मे बी वो डरा हुआ है उस इंसान को भी नहीं पता ना कि सडनली लड़की ऐसा कर देगी नाउ ही इज ऑल्सो इन अ पिकल मैं आपको उठा के मैं जेल में डाल दूँ कोर्ट पर खड़ा कर दूं आप भी घबरा जाओगे कि मैं बोलूँ क्या यू विल ट्राई टू सेव योर सेल्फ की मैने वेद योर गिल्टी और नॉट आई डोंट नो अबाउट इट बट आप यू विल ट्राई टू बैलेंस योर स्टेटमेंट यू नो कि मैं क्या बोलू कहीं गलत ना बोल दू कहीं ना ये ना बोल दूँ क्योंकि इस वक्त क्या है सब नजरें उस पर, पर अटकी हुई हैं वो कुछ भी बोलेगा उसके मुंह से एक गलत अल्फाज भी निकल गया ना तो लोग पकड़ लेंगे उसको वो घबराहट में डर के मारे आदमी गिल्ट में बोल देता कि कि यार कि यार नर्वसनेस में ये हो गया बट बोलने का मे मे बी बी कुछ और रीजन होगा सो दैट इज द केस क्योंकि जो डॉक्टर भी थे जिन्होंने तुनिशा को देखा वहां पर जाने के बाद हॉस्पिटल में वो भी कह रहे थे कि शीजन बैक टू बैक रो रहे थे कह रहे थे कि बचा लीजिए तो कहीं ना कहीं प्यार तो था लेकिन जो सेपरेशन की बात रही तो उसने तुनिशा को वो ट्रिगर कर दिया क्योंकि मे बी वो सेपरेशन नहीं चाहते थे या फिर कुछ ज्यादा ही प्यार में थे देखिये लाइक आई सेड रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच में क्या चलता है कोई नहीं जा सकता जान सकता आज शादीशुदा लोगों की जो बातें होती है वो चार दीवारी में ही होती है कमरे में होती है किसी को बाहर वाले को नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है तो अगर वो रो रहा था वहाँ पे उसकी जब ऑब्वियसली ही विल क्राई बिकॉज इट इज़ समवेयर तो ऑब्वियसली प्यार होगा ऐसे तो रिलेशनशिप में था ना तो अगर वो रो रहा है एंड उनके रिलेशन में देखिए इट्स नॉट नेजरी कि अगर आप योर इन रिलेशनशिप को चलना ही है बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूटते हैं दिन में सालों में मतलब नहीं होता लोगों का लोगों की बीस बीस मैंने देखा है किसी की चालीस साल के बाद शादी टूटी है आफ्टर फोर्टी ईयर्स देव गॉट डिस्ट बट कभी कभी नहीं चलता है उसकी वजह से आप ऐसा स्टेप नहीं है ये तो बिल्कुल गलत चीज है ना mm -hmm. कि जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप नहीं चला तो यूर गो एंड क्ल्यो सर दिस इज नॉट राइट तो अब आई डोंट नो उनका क्या स्टेटस था रिलेशन चला अच्छा था बुरा था कैसा था हम नहीं जानते हम तो बाहर से ही देखते हैं सो वी डोंट नो हाउ इट वॉज और वॉट द रीजन कुड हैव बीन है उसने ऐसा किया है जी। ऐसे में क्योंकि उनकी मम्मा का भी जो स्टेटमेंट आया उसमें वो आ, मतलब चीटिंग को ही लेकर बातें कह रही है हालांकि ये नहीं कहा है कि किसी तरह का वॉयेंस हुआ था या फिर यू नो फिजिकली या फिर मेंटली कुछ किया हो चीटिंग को लेकर ही बात सामने आई है हाउ फार डू यू थिंक कि शीजान को अभी जिस तरह से यू नो इंटेरोगेट किया जा रहा है ये फेयर और जस्टिफाइड है देखिए फेयर एंड जस्टिफाइड के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज uh, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है कंट्री का वो दे आर द बेस्ट पीपल टू नो वो किस तरह से उनका उनका काम ही है तो वो जानते हैं कि वो प्यार से बातें निकलवाएं वो किस तरीके से माइंड गेम गेम्स करके या कैसे उसको क्वेश्चन ऐसे करें बिकॉज आई एम श्योर दे विल बी मोर साइकैट जल भी डॉक्टर्स जल भी पीपल हु विल ट्राई एंड अंडरस्टेंड कि ये सिचुएशन हुआ क्या फेयर और नॉट हम हमारा वो हमारी वो जगह नहीं है कि हम बोल सके फेयर है कि नहीं है अगर अनफेयर भी होगा हम जाके बोलेंगे यार अनफेयर है पुलिस कहेगा तुम अपना काम करो हम अपना काम कर रहे हैं mm -hmm. यू नो सो उनका एक तरीका है वो कैसे निकालते हैं बात क्या सच्चाई निकालते हैं कैसे निकालते हैं इट्स अप टू देम बिकॉज ये चीटिंग 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 पकड़ के आई आई एम समवेयर आई फील इट्स नॉट राइट आई डोंट नो कुछ लोग मुझसे अग्री करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे बट आई डोंट थिंक एक ही पॉइंट को पकड़ के आप चीटिंग 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 बोल के आप उसी चीज को पिन पॉइंट करके उसको जस्टिफाई आप करना चाह रहे हैं mm. आप उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि चीटिंग की चीटिंग की चीटिंग की अरे चीटिंग ठीक है अगर की भी आपने अपनी लाइफ क्यों ली आई यू मैड ऐसी चीज़ कौन करता है यू नो इट्स इट्स अ वेरी सैड थिंग बट इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग जी uh, ऐसे में जो उनके अंकल हैं उन्होंने भी कहा है था कि uh, अभी जो उनका स्टेटमेंट भी आया था उसमें उन्होंने कहा है कि uh, निशा शीजान के साथ रहने के बाद उनके रवैये में बदलाव आया था उनके पहनावे में बदलाव आया था हिजाब की भी बात की गई थी डू यू थिंक ये सारा मुद्दा वापस से वो लव जिहाद की तरफ जा रहा है या फिर क्योंकि तनिशा प्यार में थी उनको उनका मज़हब uh, क्योंकि वो हो जाता है तो उनके मजहब के प्रति भी वो प्यार होना लाजमी था देखिए बहुत सिंपल uh, चीज़ है अब कोई अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम uh, है कि जहां पर आप जिस अगर लड़का जिस रिलीजन का है लड़की को उस चीज को एक्सेप्ट करनी पड़ती है अब वो मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो क्रिस्चिन हो कुछ भी हो उसमें क्या होता है अगर इफ द गर्ल डिसाइड्स कि ओके आई एम गोइंग टू गेट मैरिड शायद वो उसकी वजह से वो चीज कर रही थी शायद उसे फोर्स किया गया हो क्या है रियलिटी हमें नहीं पता राइट right? बट ये होता है अगर आ, मैं, मैं सिख हूं आज अगर टुमारो आई गेट मैरिड टू समबडी वो लड़की विल एक्सेप्ट माइ रिलीजन ऑब्वियसली

एक सोच आई या फिर रिएक्शन रहा मैं कह सकती हूँ जब उन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट क्योंकि हमने देखा है तो निशा बच्चों के साथ भी काफ़ी यू नो फ्रेंडली वे में सेट पर रहा करती थी खेलती थी ऑफ कैमरा अब उनके ऊपर क्या भी थी और कितना मुश्किल है उनके लिए भी ये प्रोसेस कर पाना जी एक्चुअली वो uh, सारा काफ़ी छोटी है अभी तो उसको थोड़ा सा ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है तो मेरी भाभी भी उसको यू you नो know, समझाने की कोशिश कर रही हैं कि शी इज़ क्योंकि वो वो भी कन्फ्यूज है कि क्या हुआ कहाँ है तो निशा दीदी कहाँ है वो परेशान हो गई है तो उसको अब समझ नहीं आ रहा है वो बिकॉज इट्स अ चाइल्ड ना तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा प्रोसेस करने में कि वट हैपेन्स वट एग्जैक्टली हैपेन्न तो बट आई एम ग्लैड माई भाभी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ अर एंड यू नो उसको थोड़ा ठीक कर रही है ऑब्वियसलीज वेरी अपसेट वेंट शी गॉट टू नो कि ऐसे डेथ हुई है क्यों हुई कैसे हुई वो कुछ नहीं पता बट शी इज बिन वेरी अपसेट ऑब्वियसली बच्चा है बहुत दिल लगा हुआ था उसका तुनिशा के साथ इनके काफ़ी आपस में वीडियोज़ भी थे एंड सारा बिकॉज सबसे छोटी है तो बहुत प्यार था तुनिशा का उसके साथ तो इट्स वेरी सैड फॉर हर ऑल्सो यू नो कि जिसको उसने एक सिस्टर एक एक आइडल टाइप माना है किसी को एक आप दिल से प्यार करते हैं ऐसे like so uh, में हितेन आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि एक्टर्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है पर्दे में भले यू you नो know, मुस्कुराते रहें हंसते रहें यही कुछ तनिशा के केस में भी सबके लिए एक्सेप्ट कर पाना क्योंकि इतनी प्यारी हंसती खेलती पर्सनालिटी रही है इनकी और डिप्रेशन जैसे एनजाइटी जैसे जब शब्द हम उनके लिए सुनते हैं तो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि uh, ऐसे में लोगों को बी एट एनीबडी नॉट ओनली एक्टर्स की अपने डिप्रेशन को लेकर या फिर किसी भी तरह की अगर मानसिक तनाव है उसको लेकर किस तरह से यू you नो know, सतर्कता बरतनी चाहिए और सुसाइड यू नो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है नहीं जम रहा है नहीं है कुछ तो ख़त्म कर लो अपनी ज़िंदगी कितनी अहमियत uh, रखती है ये चीज़ ये जिंदगी क्या कहना चाहेंगे इस इसमें देखिए जिंदगी तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है uh, जो लोग इस चीज़ों से गुजरते हैं डिप्रेशन या आई एडवाइस की और आई विल सजेस्ट आई कॉन एडवाइस आई कैन सजेस्ट की आप किसी से बात करें यू you नो know, एक प्रॉब्लम क्या है मैंने नोटिस की कि लोग सोचते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए अगर आपको डिप्रेशन है तो क्योंकि लोग कहते हैं अरे मैं पागल थोड़ी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ अरे पागल थोड़ी जाता हूँ डॉक्टर के पास यू नीड टू टॉक टू समबडी वो चीज़ को आप आप उसको सही तरीके से बिकॉज इट इज़ अ डिजीज़ जैसे आपको कुछ बीमारी होती है बुखार चढ़ता है तो आदमी दवाई खाता है वैसे ही डिप्रेशन के लिए भी दवाइयाँ हैं एंटी एंटीडिप्रेशन हैं आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए डोंट थिंक अबाउट कि इसका अल्टीमेट तो ये हुआ कि आई कमिट सुसाइड इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग बिकॉज प्लीज लुक एट द फैमिल अराउंड लुक एट योर फैमिली लुक एट मे बी यू हैव किड्स लुक एट योर पेरेंट्स लुक एट दुक एट योर फ्रेंड्स द पीपल हु लव यू यू नो एक आप उनकी लाइफ खत्म कर देंगे इट्स नॉट ओनली वन पर्सन नहीं जाता है लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो इट इज़ इट इज इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी सो इन्जॉय करो उसको डोंट ट्राई एंड किल इट ओके डिप्रेशन है आप कुछ चीज़ों की वजह से uh, आपको ये माइंड में ये चीज़ें हैं बट एटलीस्ट उसको आप हील कीजिए ना हील कीजिए डोंट कि अच्छा ये चीज़ खराब हो गई अब किसी का अगर सपोज हाथ खराब हो गया तो थोड़ी काट के फेंक देगा उसको मेडिसिन करेंगे उसको ठीक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है सो आई एडवाइज दैट प्लीज सजेस्ट दैट प्लीज़ टॉक टू समी टॉक टू समी हैव अ फ्रेंड कुछ भी प्रॉब्लम है फ्रेंड से बात कीजिए अपने पेरेंट्स से बात कीजिए किसी से भी बात कीजिए बट टॉक टू समी डोंट डोंट जस्ट टेक अ स्टेप कि आई एम गोट टू कमिट सुसाइड इट इज़ इट इज़ एब्सोलुटली नॉट फेयर एंड इट इज नॉट राइट Um, ऐसे में लास्टली आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तो चीजें हो चुकी हैं आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप इसको एंड वॉट डू यू सी एज यू नो अव क्या है आपका इस पूरे केस को लेकर ओवरव्यू मेरा बहुत सिंपल है दैट आई थिंक दैट जो ये हुआ है बहुत इट्स वेरी वेरी सैड आई मीन कोई भी वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे जो मैं बोलूँगा और uh, इट कैन जस्टिफाई हाउ बैड आई फील फॉर टू नीश एंड हर फैमिली फॉर अवर फैमिली एक्चुअली बट ओवरव्यू ये है कि देखिए उसने सुसाइड तो कर लिया अब उसका क्या रीज़न था इसके पीछे वो तो वील गेट टू नो फ्रॉम द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर टिल देन हमको सिर्फ बैठकर देखते हैं हम सिर्फ इसके बारे में बात कर सकते हैं वी कैन रेज अवेयरनेस बाइट यू नो इट इज स्प्रेडिंग अ मैसेज की यार आप अगर डिप्रेशन में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है कुछ चीज़ आपको इतनी बॉदर कर रही है

जिस भी रीज़न के लिए गई है वो सामने आ पाए और सभी को जस्टिस मिले एक सामने फेयर चीज आ पाए कैमरामैन कुनाल के साथ रोशनी विश्वकर्मा आज तक